कितने मीठे जुमले हैं ना। आज हम जो कुछ है वो अपने वालिद की वजह से। गौर करें, हमारे वालिद ने हमारी बहुत खिदमत की है, हमें हर वो चीज ला कर दी जिसका हमने कहा। कभी हमें मोहब्बत से उछालते हम हंसते, थकन से उनका साथ भूल जाता। हम कहते अब्बू हमें मजा आ रहा है। याद रखे बाप वो सी मस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अता नहीं कर सकती। हमें भी उनकी खिदमत करनी है जिस तरह ये हमारे बचपन में हमारी तरफ मुस्कुरा कर देखते थे। जैसे घर में दाखिल हो फौरन हमारी तरफ आते थे, काम से जल्दी आ जाते थे कि कहीं मेरे बच्चे सो न जाए। हम जब घर से बाहर जाते तो कहते बेटा जरा संभल कर जाना। हम रोड पर भागते और सामने से गाड़ी आ जाती तो अब्बू की चीख निकल जाती, बेटा जरा संभल कर। और आज हम कहते हैं कि अब्बू की समझ में नहीं आ रही। याद रखें, बाप बाप होता है। क्या हमारे अब्बू का दिल नहीं चाहता? क्या मैं उनको हंस के देखे उनके पास बैठे? आज ये क्या हो गया? मेरे पास पैसे हैं लेकिन मेरे वालिद की जेब खाली है, ये कैसे हो गया? याद रखें, वालिद का कोई नेमुर बदन नहीं। अगर आपके अब्बू नाराज है, आपने इनके साथ लड़ाई की है, आपने इनके साथ बदतमीजी की है, आपने इनका दिल दुखाया है, तो फौरन इनसे माफी मांगे। अभी उठे और अब्बू के पास जाए और बोले अब्बू